नमस्कार दोस्तों, मैं सकल वेलकम करता हूं नई वीडियो टेक्निकल चार्जिंग में। आज आपको मेरी वीडियो का थोड़ा सा लुक एंड फील डिफरेंट नजर आया होगा। आज की जो रिकॉर्डिंग है वो सारी हो रही है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे। जैसे ही ये लॉकडाउन बढ़ा है और लॉकडाउन में ज्यादातर ऑफिस वाले आजकल सारे ही अपने लॉकडाउन के टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या स्काइप का यूज कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का यूज करते हुए एक बड़ा ही सिंपल फीचर है कि आप अपने बैकग्राउंड को छुपा सकते हैं। हो सकता है कि पीछे आपके कपड़े सूख रहे हों या दीवारें गंदी हों और आप शोकेस नहीं कराए जाते ऑफिस में, तो सिंपली इस बैकग्राउंड का लुक उठा सकते हैं जो कि इसमें अवेलेबल है, या कोई भी अपना कस्टम मेड बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं जैसे मैंने यूज कर रखा है। इसका मैं बताऊंगा लिंक कि कैसे आप सिंपली जाकर अपना बैकग्राउंड जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में जाना है और जैसे मीटिंग है मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप अपनी कोई मीटिंग शुरू कर सकते हैं। तो अभी मैं अपनी मीटिंग शुरू करता हूँ, कोई भी नॉर्मली मीटिंग नाउ मैंने शुरू की और देखिए यहाँ कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आपको थ्री डॉट्स नजर आ रहे हैं, थ्री डॉट्स पे जाइए और यहाँ पे आकर आप कोई भी बैकग्राउंड अपने चॉइस का इफेक्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको शो बैकग्राउंड इफेक्ट करने हैं, आपको आपको नाकाफी डिफरेंट टाइप के बैकग्राउंड्स नजर आएंगे ये देखिए। ठीक है, आप उनको कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और लुफ्ट उठा सकते हैं एक बिल्कुल ही नए बैकग्राउंड का। देखिए अप्लाई एंड टर्न ऑन वीडियो करते हैं तो ये देखिए मेरे पीछे का बैकग्राउंड जो है बिल्कुल ही चेंज हो गया, काफी अच्छा फीचर। अब मैं आपको दूसरा का दिखाता हूँ। ऐसा लग रहा है कि पीछे एक लैपटॉप रखा हुआ है, डेस्कटॉप रखा हुआ है। अब मैं कोई दूसरा यूज़ करता हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए और देखिए अप्लाई करता हूँ। देखिए अब ऐसा लग रहा है कि मैं ऑफिस में बैठा हूँ। और अगर आपको कस्टम मेड चाहिए तो वो भी ला सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने टेक्निकल चार्जिंग लोगो के साथ बनाया तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। पीछे टेक्निकल चार्जिंग का लोगो दिख रहा है, काफ़ी अच्छा फीचर है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में। आप अपना पीछे का बैकग्राउंड छुपा सकते हैं, हो सकता है कि आपके पीछे कपड़े सूख रहे हों या कुछ भी हो रहा हो, वो भी आप इजीली छुपा सकते हैं। अब बात आती है कि कुछ तो इसमें बैकग्राउंड्स अवेलेबल हैं और कुछ आपको कस्टमेड बनाने पड़ेंगे। कस्टमेड बनाने के लिए आपको सिंपल सा एक तरीका बताएं, पर पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से बैकग्राउंड्स अब ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बैकग्राउंड ईजिली अवेलेबल हैं जो कि आप देख सकते हैं। अब मैं करता हूँ भाई कि अपना मुझे भाई टेक्निकल चार्जिंग का लगाना, क्योंकि यूजुअली मैं बिजनेस कॉल्स पर रहता हूँ। बिजनेस कॉल्स के टाइम पर मुझे लगता है कि भाई मैं टेक्निकल चार्जिंग का ही लोगो यूज़ करूँ। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे आपको यूज़ करना है। आपको जाना है किसी भी अपने एक्सप्लोरर में, एक्सप्लोरर को यहाँ से खोलिए। एक्सप्लोरर में जाने के बाद आप सी ड्राइव में जाइए। सी ड्राइव में जाने के बाद आप जाइए यूजर्स में। यूजर्स में जाने के बाद आप अपना कोई भी यूज़र नेम चूज़ करें जिससे कि आप यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है कुछ भी हो। तो नॉर्मली मैं अब जाता हूँ ऐप डाटा पे। ऐप डाटा पे जाइए, ऐप डाटा आपको सर्च करना होगा। ऐप डाटा ऐसे करेंगे APPDATA। इसका लिंक नॉर्मली मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो आप उसका जाकर फायदा उठा सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है रोमिंग में। रोमिंग पे जाने के बाद आपको जाना है माइक्रोसॉफ्ट पे। हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आपको यहाँ पे बाहर भी नजर आए, पर इस पे ना जाए क्योंकि इसमें नॉर्मली लॉग्स होते हैं आपकी मीटिंग्स के। तो आप सीधा नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट पे जाएं। माइक्रोसॉफ्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको टीम्स नजर आएगा। टीम्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको बैकग्राउंड्स नजर आएगा। बैकग्राउंड्स में ये देखिए, ये रहे आपके बैकग्राउंड्स जो अवेलेबल थे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में। पर अगर आपको अपना कस्टमर चाहिए तो जाइए और यहाँ पे अपलोड पे JPG फाइल में पेस्ट कर दीजिए। अब JPG फाइल पेस्ट करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी आपका बैकग्राउंड होगा उसको आपको फ्लिप करके लगाना है, यानी कि हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना है। जैसे कि मैंने कर रखा है, हम देख सकते हैं कि लोगो उल्टा लिखा हुआ है, तभी जाके वो सीधा नजर आएगा। आपका लोगो इस साइड पर नजर आएगा और जो भी आपने लिखा हुआ टेक्स्ट वो वहाँ पे आपको सीधा नजर आएगा। बस इस बात का ख्याल रखें कि आपको कोई भी इमेज सेलेक्ट करने से पहले उसको एक जरूर हॉरिजॉन्टल बार उसको फ्लिप करना है। तो बस पेस्ट करिए, मीटिंग ज्वाइन करिए और कोई भी अपने मनपसंद बैकग्राउंड का लुफ्ट उठाइए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं हूँ मनीष और मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो पर।